हेलो एवरीवन, द वर्तिका शो में स्वागत है आप सभी का। और वर्तिका अभी इंस्टेंट एक बहुत ही अच्छा डेजर्ट लेकर हाजिर हुई है। जी हाँ, पनीर की खीर, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा दूध को रिड्यूस करें और पनीर को ग्रेट करके उसमें ऐड करना है। और क्या क्या करना है आइए देखते हैं। और आज है हमारे साथ हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस अर्चना शाह, वो ये खीर बनाने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सबसे पहला काम करिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जी हाँ, तो अर्चना जी, हम बनाने जा रहे हैं व्यूअर्स के लिए पनीर की खीर। तो भी सर्दी है तो इसको हम गर्म भी खा सकते हैं, और जिन लोगों को सर्दी में ठंडा खाने का भी अच्छा लगता है, आइसक्रीम्स खाते हैं, ठंडे डेजर्ट खाते हैं, तो ठंडा करके भी खा सकते हैं। हाँ, ये वैसे तो ठंडी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो इसे छिल करके ही खाइएगा, ये बहुत अच्छी लगती है। तो पहले अपन दूध को, ये फुल फैट मिल्क लिया है मैंने, ठीक है, तो फुल फैट मिल्क अपन अच्छे से गर्म कर देते हैं। और इसको अच्छे से उबाल लेते हैं। तो जो आप पनीर लेंगे तो उसको हम लोग क्यूब्स करेंगे या हम ग्रेट करेंगे? पनीर को अपन ग्रेट करेंगे। अच्छा, ग्रेट करेंगे। हाँ। और सिर्फ इसमें जो दो चीज रहेगी वो ये रहेगी, पनीर और दूध। हाँ, तो दूध को हमें रिड्यूस कर लेना है। दूध को अपन गाढ़ा होने तक पकाएंगे अपन इसे। अच्छा ठीक है, तो जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है अपन पनीर को ग्रेट कर लेते हैं। वर्तिका जी, देखिए अभी अपना दूध आधा हो गया है, तो वर्तिका जी अभी अपन इसमें ग्रेटेड पनीर डाल देते हैं। ठीक है, एक उबाल आने देते हैं, तब तक पनीर भी पक जाएगा अपना। ठीक है, तो अर्चना जी, क्या इस बीच में हमें इसके अंदर चीनी ऐड करनी है? हाँ, अभी अपन चीनी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चीनी स्वाद अनुसार। अब इसमें अपन ड्राई फ्रूट्स मिला लेते हैं, किशमिश, इलायची पाउडर। ठीक है, पिस्ता कतरन और काजू की टुकड़ी, इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देते अपन और अपनी खीर रेडी है, सर्व कर लेते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो हमने खीर बनाई है, पनीर की खीर बनाई है, पनीर की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए अभी आप इसको ट्राई करिए, और ऐसा कुछ इसमें है नहीं, आपको याद भी रहेगी ये खीर, लेकिन हाँ, जब भी याद करें तो A1 रसोई को ज़रूर से याद करिएगा।